हेलो दोस्तों, फूड एंड ट्रैवल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं ऐसे एक चीज़ बनाने वाली हूँ कि जिससे आप 100 से ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जियाँ यूँ ही बना सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना है, और हर एक आपकी ग्रेवी वाली सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी कि लोग उंगली चाटते रहेंगे। चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ सूखा नारियल लिया है, और जिसको मैंने एकदम फाइनली कद्दूकस भी कर लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ ओनियन लिए, जिसको मैंने ऐसे काट लिए। वैसे भी हम लोग को सिर्फ फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिए, देन 10 से 15 लहसुन की कली ली है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक। चलो फिर अभी हम लोग वाटन स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं सिर्फ 2 स्पून ही ऑयल डालूँगी, बिकॉज़ सूखे नारियल में ऑलरेडी ऑयल का कंटेंट होता ही है। सो हम लोग थोड़ा ही डालेंगे, और ये जो कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल है, इसको खोपरा भी बोलते, तो वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और हमें एकदम लो फ्लेम पे इसे चलाना है, इसको हमें हाई फ्लेम पे चलाना नहीं है, नहीं तो वो टेस्ट बिगड़ जाती है। सो हमें इसे कंटिन्यू लो फ्लेम पे चलाते रहना है। दोस्तों, सूखे नारियल में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जिसके वजह से हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है और हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। चलो फिर अभी यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया है, हमें इसे अभी निकालना है। सो अभी वही कढ़ाई में हम लोग फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं, और अभी इसमें हम लोग ओनियन जो हम लोगों ने कट किए हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो इसे भी हमें ऐसे ही चलाते रहना है ताकि वो जले नहीं, और हमें इस ओनियन को बहुत ही एकदम फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग इसको मिक्सी में चलाने वाले हैं, सो ऐसे भी आप वर्टिकली इसको काट सकते हो। सो अभी अच्छे से हो गया है रेड। अब इसमें हम लोग जो हमने लहसुन लिया था, वो लहसुन यहाँ पे डाल देंगे। इसको भी हम लोग इसके साथ ही फ्राई करेंगे कि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसके साथ ही साथ थोड़ा अदरक, इसे भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, आपको पता है ओनियन में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा रहता है? तो वो है विटामिन सी। हमें इसको प्लेट में निकालना है। मैंने यहाँ पे हाफ सूखे नारियल के लिए 3 मीडियम साइज़ के ओनियन लिए थे। अगर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो आपको इसी रेशियो में उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। चलो अभी हम लोग मिक्सी में उसे चलाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक ग्राइंडर। अभी इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले ओनियन। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले ओनियन को ही मिक्सी में चलाएंगे, बिकॉज दोनों को अगर हम लोग एक साथ चलाएंगे तो अच्छे से ओनियन पिसा नहीं जाता। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ हमें अगर इसको अच्छे से प्रिजर्व करना है तो आप पानी का यूज़ ना करो। अभी ओनियन पिस के तो हो गए, अभी यही ग्राइंडर में हम लोग जो सूखा नारियल है इसे भी ऐड कर लेंगे। अभी इसे चलाने के वक्त अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमारा ये वाटन रेडी है, और हमें इसे प्रिजर्व करना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लेंगे। एज़ यू नो, नमक ये बहुत अच्छा एक प्रिजर्वेटिव है। इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप इसको 7 से 8 दिन तक अच्छे से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होगी। अभी इसे हम लोग प्रिजर्व करने के लिए एक प्लास्टिक का मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, जिसमें इसे मुझे स्टोर करके रखना है। अभी ये स्टफ़ अगर आपका रेडी रहेगा, तो ग्रेवी वाली सब्जी आपकी ऐसे ही जल्दी तुरंत बन जाएगी, और डेफिनेटली उसका टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो ये है रेडी मेरा वाटन, और आप भी ये घर पे ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।